देखो यार, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ तो वीडियो में थोड़ी बहुत गालियाँ हैं। अब यार मैंने सोचा कि उनको बीप कर दूँ या हटा दूँ, पर फिर मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला कि मेरे को गालियाँ डालनी चाहिए, साफ सुथरा व्लॉग डालना चाहिए। तो मोस्टली लोगों ने गालियों वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, क्योंकि मतलब यार लोगों को ना मतलब थोड़ा ऐसे ही मज़ा आता है कि थोड़ा गाली के लो, उसमें थोड़ा फन वन ज़्यादा आता है। तो मैंने भी सोचा यार व्लॉग थोड़ा ना रॉ ही रहने देते हैं, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करते, इतना साधु बन के भी क्या करना है। तो जितने भी लोग मतलब ऐसे टीवी पे फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं वीडियो, वो ना देखें, और मतलब देख लेना यार फ़ोन में देख लेना, ऐसा मत करना कि देखो ही नहीं, फ़ोन पे देख लेना, हेडफोन लगा के देख लेना बस। बाकी इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मतलब, हाँ थोड़ी बहुत बस। तो इन्जॉय कर लो वीडियो। वो सब गाइस, दिस इज द शमा, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर हैविंग अ नाइस डे सो फार। तो आज ब्लॉग की बड़ी अलग शुरुआत, मतलब ऐसे ड्रेस पहन रखी मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म। और अगर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ तो आज है स्क्रिबल्स डे, और आज मतलब स्क्रिबल्स डे जिन लोगों को नहीं पता उसमें क्या होता है कि जैसे स्कूल का जो लास्ट दिन होता है उस पे क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहन के आते सब। और मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म नहीं थी, तो उनको बोल दिया कि आप ऐसे वाइट ड्रेस भी पहन के आ सकते हो। तो होता क्या है कि मतलब ऐसे यूनिफॉर्म पे जो भी मेमोरेबल चीज़ें होती हैं वो लिखते हैं, और ताकि वो याद रहें और मतलब आप उन्हें संभाल के रखो। तो फ़िलहाल मतलब यहाँ से थोड़ा बाहर चलते हैं तो स्कूल दिख जाएगा अभी आपको मेरा। तो यहाँ पे सारे स्कूल के बच्चे खड़े हुए हैं एंड ये रहा अपना स्कूल। हाँ भाई, तो कुछ करना है अलग तो सही में बन रहा है क्या बन रहा है ना? हाँ बन रहा है। तो यहाँ पे सारे स्कूल के बच्चे खड़े हुए हैं और अभी थोड़ी देर में मतलब स्टार्ट होगा सब। ढोल वाला कहाँ है? मैंने अभी ढोल ला रहा था, थोड़ी गाली का। भाई बनवा, वीडियो बनवा लेते भाई, और क्या क्या लिखता है दिखाओ। यार ये वीडियो तो एक्सप्लिसिट हो जाएगी यार, डालना भी चाहिए यार। भाई क्या क्या गंदी गंदी गालियाँ क्यों लिख रहे हो भाई? भर दो मुझे। भाई रंग बिरंगे कौन लाया है, हमें भी रंगीन कर दो। लव यू मेरी जान। मेरी जिंदगी में रंगों की कमी है। आओ जरा भाई, तुम राधे राधे लिखना पड़ेगा या तो राधे राधे लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखे जा रहे हो? क्या लिखना है? जो तुम लिख रहे हो उसके पीछे मीनिंग बता रहे हो? चल लिख। स्मार्ट तो लग रहा हूँ मैं। ओह यस, फक ऑफ। बहुत बढ़िया। दिखने में तो चाहिए बहुत अच्छे। वीडियो क्या लिख दिया इसमें? क्या लिख दिया? हाथ होती है काली, यशिता है सावेंद्र के साली। पहले पहले मैं लिख रहा हूँ, लिखो क्या लिखे? लिखो और कहीं जगह छोड़ दो। नहीं नहीं नो भाभी भाभी क्या लिखा है?
तो है। क्या लिखा है इसमें? रुक जा यशिता चीज, ये व्लॉग में आएगा। एवरीवन विल बी इन व्लॉग। ये पढ़ रही थी ना जब हम पेन खरीदने गए थे, ये पढ़ रही थी, दिमाग खराब। पहले मैं उसकी वीडियो पूरी कर दूं, फिर जाके चैन बिहाइंड द सीन्स। लेते कान के पीछे क्लॉटिंग, कान के पीछे क्लॉटिंग लिख दे। भाई वो इसलिए यहाँ के लिखा है, अरे वो यहाँ के लिखा है, यहाँ के लिखा है। योर फादर इज विद यू, भाई अच्छी बात है। भाई दर्द हो रहा है आपके बहन चो, बहुत जोर से मारा है मैंने। दाढ़ी हुआ सोच ले, सोच ले। मेरी नहीं बनाई ना, मेरी नहीं बनाई ना, अभी बना अब लिख। यार सच में मेरा फोन तो कुछ समझ नहीं आएगा चलाना, जो भी लिखा है बंद कर रहा हूँ। क्या लिखा है बता विजय, क्या लिखा बाय बहादुर। वो फिर से लिखता मैं, ये वीडियो नहीं डल पाएगी भाई। नेपाली लौड़ा गंदा लगेगा यार, वो कलर कर दो लिप्स बना दे। क्या है दिल जल्दी कर।
वीडियो फिलहाल यहीं तक थी, और थोड़ी सी सीरियस बात कर लेते हैं आप लोगों से भी। तो क्या हुआ कि जब स्क्रिबल डे चल रहा था उस टाइम में, मतलब मज़े तैयार थे, लोग सब लिख रहे हैं ऐसे, फुल पागलपन चल रही है, मस्ती चल रही है फुल। तो उस टाइम ना रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार आज स्कूल में आखिरी दिन है, सच में आखिरी दिन है। तो जब स्क्रिबल डे ख़त्म हो गया ना, तब मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार अब पता नहीं कभी मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार सच में आखिरी दिन था। तो और वो बात जब मुझे हिट हुई ना, तो यार रोना आ गया बड़ा, मतलब ऐसा ना दिल पे लगी वो बात कि यार सच में आखिरी दिन था क्या। क्योंकि यार अब तो सीधा बोर्ड्स ही होने वाले हैं, एंड जो बच्चे मतलब फेल होंगे प्री बोर्ड्स में, उनके उनको ही मिलेगा दोबारा स्कूल जाने में। बाकी क्लासेस नहीं होंगी, कॉरिडोर में घूमना नहीं होगा, बंक मारना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यार। मतलब अभी भी ना थोड़ा इमोशनल सा हो रहा हूँ मैं, क्योंकि बुरा लग रहा है, सच में बुरा लग रहा है। कोरोना ने स्कूल लाइफ बर्बाद कर दी, स्कूल लाइफ के 2 साल बर्बाद कर दिए। तो कुछ बच्चे हैं जूनियर्स जो हैं ना मेरे, तो उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि यार देखो तुम्हारे पास अभी एक दो साल और बचे हैं, तो उसको ना फॉर ग्रांटेड मत लेना बिल्कुल भी। मतलब उसको ना ऐसे जीना सोच के कि सच में आखिरी टाइम है यार, तो इसलिए ना उसको बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर लेना तुम लोग। हमें तो मिला नहीं करने को, बट कोई नहीं तुम कर लेना। स्कूल जाने को नहीं मिलेगा यार दोबारा, बुरा लग रहा है सोच के, काफ़ी बुरा लग रहा है। एनीवेज अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर देना इस वाले चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अगली वाली वीडियो में, तक ले जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, पीस। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने अपने बाल हाईलाइट करा रखे, तो नहीं मैंने, मेरे बालों का कलर जो है वो नेचुरली थोड़ा ऐसी है, ऐसी शेड आता है थोड़ा सा। तो मिलते हैं, बाय बाय।